भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवक व विरोधी पक्ष नेता श्यामजी अग्रवाल ने भिवंडी लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्माननीय श्री कपिल जी पाटिल को भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में दूसरी बार भारी वोटों से जीत के आने पर अपने वार्ड के लोगों के साथ पटाखा फोड़कर व मिठाइयां बांटकर खुशियां जाहिर करते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि पूरे देश की जनता व भिवंडी लोकसभा की जनता का मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जो ये प्रभाग है जहां से हम लोग खड़े हैं, मानसरोवर फेणा गांव फेणा पाड़ा और कामदगर भाग, यहां के जनता ने, यहां के मतदाताओं ने भरघोस मतदान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय कपिल जी पाटिल को नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उन्होंने मतदान बड़ी मात्रा में मतदान किया है और पूरे देश में 2014 से भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मतदान एक बहुमत मिला है। और निश्चित रूप से जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पे जैसे 5 साल काम किया उसी अच्छा काम, एक मजबूत सरकार, मजबूर नहीं मजबूत सरकार की स्थापना होगी और निश्चित रूप से ये सरकार 5 साल चलेगी और देश को परम वैभवशाली बनाएगी। और वैसे ही आने वाले भी विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर में है, वैसे ही यहाँ भी महायुति के जो घटक दल है साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देवेंद्र जी के नेतृत्व में राज्य में भी वापिस सत्ता की स्थापना करेंगे और पुनः एक बार भिवंडी की जनता, पूरे देश की जनता और मोदी जी को जो वापिस प्रधानमंत्री बनाना है, देश को परम वैभवशाली बनाना है, इसके लिए जो मतदान किया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो विरोध करने वाले विरोध कर रहे थे, कुछ अलग संतोषी लोग थे, बहुत लोगों के महत्वाकांक्षा रहती है, बहुत लोगों के कुछ न कुछ अपने हित संबंध रहते हैं इसलिए बदनाम कर रहे थे, लेकिन बदनामी का कल जवाब मिल गया। 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से हमारे जो उम्मीदवार है माननीय कपिल पाटिल जी विजय होकर आए हैं, इसलिए ये जो है उनको जवाब अपने आप ही जनता ने उनको जवाब दे दिया। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे।